मेरा मानना है कि साधु से मत पूछो जाति, पूछ लो उसका ज्ञान। साधु से मत पूछो जाति, पूछ लो उसका ज्ञान। परे रहने दो म्यान को, उठा लो तलवार। अरे इस धरती पे जो महापुरुष आए हैं उनकी कोई जातियाँ भी होती हैं? वो तो समाज के कल्याण हेतु आए थे, समाज का निर्माण किया, बेहतर समाज के निर्माण करने वाले योद्धा थे मीर भोज जी हमारे। उनको हर हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा नमन करता है, प्रणाम करता है, और उनके कार्यों को याद कर हम हिंदुस्तानियों के खून में जो है, धमनी में जो है खून दौड़ने लगता है। ऐसे योद्धाओं को नमन। लेकिन ये वहाँ भी जात का एक कहीं ना कहीं जहर खोलने का काम कर रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हमारे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वो हमारे हैं। अरे भैया, तुम्हारा और हमारा कैसे हो सकता है? वाल्मीकि जी कौन थे, किस कुल में उनका जन्म हुआ? लेकिन उनके लिखे हुए रामायण को पढ़कर हम पंडित पंडित हो जाते हैं। तो ज्ञानी सबके लिए है, योद्धा सबका है, वो माँ भारती के लाल हैं और सब उनका सम्मान करता है। हर हर जाति धर्म को जो है एक साथ लेकर चलने की इस बार की मुहिम है। और इस बार जो है कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो उत्तर प्रदेश में शायद भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिम कैंडिडेटों को भी दे सकती है चुनाव लड़ने के लिए, नामांकन करने के लिए उन्होंने दिया है कि उनके नाम से रखा जाएगा, चौधरी चरण सिंह या फिर जो है महेंद्र सिंह टिकैत जी उनके नाम से। तो कैसे देख रहे हैं? तो इनको लिए भी तो एक बड़ी सौगात दे रहे हैं, तो हर सबके को साथ लेके चल रहे हैं। तो आप देखिए, ये सिर्फ नामकरण ही कर सकते हैं, विकास कार्य नहीं कर सकते। नामकरण करना एक अलग बात है, विकास करना अलग बात है। आप हमारे दर्द को समझ ले, ये एक अलग बात है। इज्जत सत्कार कर तो रहे हैं, दिक्कत कहाँ है इसमें? वाजी इज्जत, भूखे भजन ना हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूखा भजन हो रहा है, भूखा जंग लड़ा जाएगा, बगैर असले और हथियार के जंग लड़ा जाता है। तो ये सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और गोदी मीडिया को इस तरीके से अपने सिकंजे में ले रखा है कि जो वो कहता है वही गोदी मीडिया लोगों के सामने परोसने का कार्य कर रहा है। आज लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक अगर है तो वो गोदी मीडिया है, जो समाज को वास्तविकता से परे रखने का कार्य कर रहा है। शायद मनमोहन गामा जी, शायद आपको पता नहीं है, अभी रिसेंटली योगी जी का बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में जो है विपक्षी पार्टियां जो है लोगों को गुमराह कर रही हैं, छात्रों को जो गुमराह किया जा रहा है कि मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश जो है अन्य राज्यों के मुकाबले बड़ा राज्य माना जाता है, और उसके हिसाब से जो है योगी आदित्यनाथ जी बता रहे हैं कि जो बेरोजगारी दर है पिछले सरकारों के मुकाबले या फिर अलग राज्यों के मुकाबले जो है 5 से 7% जो है घटा है, बढ़ा नहीं है। ये आंकड़ों के खिलाड़ी हैं साहब, ये आंकड़ों के खिलाड़ी हैं। लेकिन आप मेरे साथ घूम ले क्षेत्र में, हर हाथ आपको बेरोजगार मिलेगा। हर पढ़ा लिखा वर्ग जो है पकौड़ा बेचने को तो आज तैयार हो चुका है। आप क्या उम्मीद करते हो इस सरकार से, जो सरकार कहता हो कि चौकीदार बन जाओ, देश की सत्ता को संभालेंगे और हमारा बच्चा चौकीदार बन जाए, हमारा बच्चा पकौड़ा तलने लगे? इनका विज़न बहुत अलग है। बाबा, मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा उत्तर प्रदेश की जनता से कि उत्तर प्रदेश वासियों, ये चुनाव मुख्यमंत्री का नहीं है, ये चुनाव बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आपके आने वाले नस्ल गुलामी की दास्ता में रहना पसंद करेंगे या आज़ादी हवा में घूमना पसंद करेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अपने मत का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना। अगर गलती से आपसे गलती हो गई तो इसका हर्जाना आने वाला नस्ल भुगतेगा। चलिए, अब इसी चीज़ से मेरे अंदर एक जो सवाल जो है दिमाग में घूमने लगा, सवाल अब यहाँ पर आ रहा है कि अभी जिस तरीके से पंजाब के अंदर जो है दलित को जो है एक बड़ा जो है मतलब अट्रैक्शन करने के लिए, चाहे जो भी हो वो हमें नहीं पता अंदरूनी राजनीति अंदर क्या चल रहा है, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जो बनाया है दलित समाज से, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी जनता सोच रही है? देखिए आप, यही तो मेरी पीड़ा है। आप उस व्यक्ति की मेहनत को देखें, चरणजीत सिंह चन्नी की मेहनत को देखें, पार्टी के प्रति वफादारी को देखें आप। उसने पार्टी के लिए क्या कुछ किया नहीं है, उसके बाद उसे वो सम्मान मिला है, उसके कार्य को सम्मान मिला है। हर कार्य करने वाला व्यक्ति सम्मान पाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। और जात की राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, और हम समाजवादी तो हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं, सर्व जातियों की राजनीति करते हैं। हम सभी को बराबर सम्मान देकर के राजनीति करते हैं। तो समाजवादी पार्टी
के नेतृत्व में अगर कोई दलित समाज से अगर कोई भाई आकर मेहनत करता है तो क्या आप लोग उसको कुछ चीज आगे बढ़ने? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है, जो जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसमें कहीं कोई शोक शक संशय है नहीं। समाजवादी पार्टी में अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है, जो जिस लायक है समाजवादी पार्टी उसे पूरा सम्मान देने का कार्य करती है और आगे भी करेगी। चलिए अभी हम लोग जो है एक दो सवाल के साथ में ख़त्म करना चाहूँगा। अभी हम लोग ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं इस समय जो है, लगभग जो है हम लोग 65% जो है पश्चिमांचल से जो है हम लोग ग्राउंड सर्वे कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं अभी नजर आ रहा है। देखिए समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और जब से योगी बाबा की सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश की जनता 2022 चुनाव का इंतजार कर रही है और बार बार उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि गलती से हुआ मिस्टेक कि भैया आ जाओ अखिलेश। जनता स्वतः ही साइकिल की रफ्तार को तेज करने को लगी हुई है और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि मात्र 194 दिन रह गए हैं शेष, आ रहे हैं भैया अखिलेश। वही साइकिल जो है योगी जी के राज्य में जो सड़कें चमचमा रही हैं, इसीलिए आपकी साइकिल जो है लखनऊ से यहाँ आ जाती है, वह इसीलिए साइकिल जो है लखनऊ से अन्य दूसरे जगह चली जाती है। ट्रकवा हम बनवाएं, साइकिल ट्रकवा हम बनवाएं, अतोरवाते हुए हैं और रोडवा पर हमार साइकिल किसान मजदूर भैया लेके चलता है तो उनका गरिया बड़का बड़का नेतवन सबके गरिया जो है उनको एक्सीडेंट में मारने का काम कर रहा है। अखिलेश जी साइकिल ट्रैक क्यों बनवाए? आप मॉर्निंग में उस पर वॉक करें, मजदूर भाई हमारे किसान भाई साइकिलों से यहाँ से वहाँ जाने गंतव्य स्थान तक जाने में सुरक्षित अपने आप को महसूस करें, इसलिए साइकिल ट्रैक बनाया गया। लेकिन ये सरकार द्वेष भावनापूर्ण होकर उस ट्रैक को तुड़वाने का काम किया और उसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में साइकिल सवारों का एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है। चलिए एक सवाल, आखिरी सवाल, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। सवाल ये है कि जितनी भी राजनीति पार्टियां हैं और जो प्रमुख हैं, खुद जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो लगातार जो है मतलब मुखर होकर के अपनी आवाज़ों को रख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, लगातार वो कर रहे हैं। अखिलेश जी वाली वो पुरानी बातें नहीं आ रही हैं, क्या ऐसा आपको फील हो रहा है? अखिलेश जी हमारे बड़े सुलझे हुए नेता हैं, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के दर्द को महसूस कर रहे हैं, अखिलेश जी की हर वो पॉलिसी जनता तक पहुंच रही है और जनता हमारे साथ है। हम नहीं चाहते कि अभी से ही हम अखिलेश जी को सड़कों पे लाएं, क्योंकि अखिलेश जी मेरे आइकॉन हैं, उत्तर प्रदेश के आइकॉन हैं। हम आकर रखने के थोड़ी हैं, सड़कों पे आने के नहीं, हम सब हैं ना, मैं भी अखिलेश, आप भी अखिलेश, आप भी अखिलेश, आप भी अखिलेश। उत्तर प्रदेश का हर नौजवान अपने आप को अखिलेश महसूस करता है और जो जिस क्षेत्र में रहता है अखिलेश बनकर पार्टी की सेवा और जनता की सेवा कर रहा है। तो आ रहे हैं साइकिल 100% भैया, एक में कोई शक बा, केहू नहीं रोकी, केहू में दम नहीं के साइकिल के रोके के। पेट्रोल कितना महंगा कर दिला से देख लो ना, साइकिलवे चली, साइकिलवे चली और साइकिल आ रहा बा, एक रोके के ताकत केहू में नहीं के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को समय दिया, समझाया और आने वाले चुनाव को लेकर के क्या रणनीतियाँ बन सकती हैं सरकार जो है, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं, ये जो है क्या तैयारियाँ कर सकते हैं और आने वाले समय को देखते हुए जो है क्या वादे किए जा सकते हैं, क्या मैनिफेस्टो लाया जाएगा। अभी तो फिलहाल जो अखिलेश यादव की तरफ से तो ये कहा गया है कि 300 यूनिट जो बिजली फ्री दिया जाएगा और 10 लाख रोज लोगों को जो है रोज़गार दिया जाएगा और साथ साथ में जो है पिछली जो उन्होंने कार्य किए थे उसको लेकर के भी जो है युवा इस बार थोड़ा सा खुश है, लेकिन ज़रूरत नहीं है और ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये युवा जो है इस बार अखिलेश यादव के साथ आए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि युवा जो है इस बार योगी जी के साथ आए, कुछ नया भी विकल्प लेकर के इस बार की जनता चल रही है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि दरअसल चुनाव में किसका पलड़ा जो है भारी नजर आएगा। फिलहाल के इतना ही जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।